कयार घाटी में भारी बारिश से आपदा के बाद कई व्यापारी मौके का फायदा उठाते हुए पशुओं के चारे में कालाबाजारी का खेल कर रहे हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत ने जानकारी दी कि गौरीकुंड क्षेत्र में कुछ व्यापारियों द्वारा संचालित पशु चारा की दुकानों पर ओवर रेटिंग करने की शिकायत मिल रही है। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि 700 रुपए में बिकने वाला पशु चारा का कट्टा 1000 से 1200 रुपए की कीमत पर बेचा जा रहा है। वहीं घोड़े खच्चर संचालकों को पशु चारा देने में भी व्यापारी आनाकानी कर रहे हैं। प्रशासन अब शिकायतों पर जांच करवा रहा है, दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर नेताला के पास एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक कार मलबे में बुरी तरह फंसी हुई दिख रही है, कार को निकालने की भी कोशिश हो रही है। दरअसल कुछ दिन पहले गंगोत्री हाईवे पर नेताला के पास पहाड़ टूटकर गिरा था। उसी दौरान हाईवे यहां बंद हो गया था और पहाड़ी मलबे में एक कार फंस गई थी। घटना में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। बाद में कार को मलबे से निकाल लिया गया। उत्तरकाशी जिले में बारिश की वजह से लोगों के घरों में लगातार दूषित पानी आने की शिकायतें मिल रही हैं। दूषित पानी से कई इलाकों में डायरिया भी तेजी से फैल रहा है। जिला अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग उल्टी दस्त के इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि वो अपने पानी को उबाल कर ही पिए और बाहर के खाने से परहेज करें। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड ताड़ी खेत के सुनियाकोट गांव सालों से सड़क के लिए तरस रहा है। सड़क ना होने से गांव के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग, बीमारों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक आने जाने में सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। लोगों का कहना है कि सुनियाकोट गांव में सब्जियों की बढ़िया पैदावार होती है, लेकिन सड़क ना होने से इसका लाभ भी गांव के लोगों को आज तक नहीं मिल पाया। ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह के मुताबिक 2021 में सीएम धामी ने काकड़ी घाट से सुनियाकोट तक 3 किलोमीटर लिंक मार्ग रोड की घोषणा की थी, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि सुनियाकोट गांव का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कर चुके हैं। पीएम ने गांव वालों द्वारा बनाई गई 1.5 किलोमीटर पेयजल लाइन की चर्चा मन की बात कार्यक्रम में की थी। पीएम मोदी ने इस काम के लिए गांव की खूब तारीफ की थी। अल्मोड़ा के 25 गांवों को नगरपालिका में शामिल करने के विरोध में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। खतियाड़ी, माल और सरकार की आली गांव समेत आसपास के 25 गांवों के ग्रामीणों ने चौघान पाटा में जमा होकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी भी शामिल रहे। ग्रामीणों का कहना है कि अल्मोड़ा के कुछ गांवों को नगर पालिका में शामिल किया गया था, लेकिन नगर पालिका में शामिल किए गए इन गांवों में कोई विशेष बजट या सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। ग्रामीण अब सरकार से फैसला बदलने की मांग कर रहे हैं और आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। लाल कुआं हल्द्वानी नेशनल हाईवे पर तीन पानी के पास बनाए जा रहे ओवरब्रिज के खिलाफ स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। लोगों ने आरोप लगाया कि ओवरब्रिज बनने से उनके गांव और घरों में जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से भी शिकायत की, जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंगलवार को तीन पानी, मोटा हल्दू और गोरा पड़ाव पर NHAI और जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया और अफसरों को निर्देश दिए गए कि ड्रेनेज प्लान सिंचाई विभाग तैयार करे जिसमें पानी की निकासी कहीं दूर बाहर की जा सके। इसके अलावा कमिश्नर ने NH की स्टेटस रिपोर्ट भी ली। दीपक रावत ने कहा, NH किनारे जहां ड्रेनेज प्लान नहीं है वहां संशोधित रिपोर्ट बनाकर ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा निर्माणाधीन NH से जुड़े मामलों में मुआवजे जल्द दिए जाएंगे। टिहरी में नई टिहरी PG कॉलेज के श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का कैंपस बनाए जाने सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र संघ और ABVP कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। छात्रों ने जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने और भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से PG कॉलेज को कैंपस बनाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे छात्रों में आक्रोश है और अब इसके लिए आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मसूरी के झड़ीपानी मार्ग पर स्कूल के पास खुली शराब की दुकान के लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा। इसके लिए मसूरी के SDM दीपक सैनी ने कार्रवाई शुरू कर दी। दीपक सैनी ने बताया कि मसूरी के झड़ीपानी मार्ग पर निर्मला स्कूल के पास शराब की दुकान खुलने के बाद कई शिकायतें मिल रही थी। जांच करने पर पाया गया कि स्कूल से शराब की दुकान से दूरी 75 मीटर है, जबकि कानून कहता है कि स्कूल और शिक्षण संस्थानों से शराब की दुकान की दूरी 100 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। SDM के मुताबिक शराब की दुकान खोले जाने में कई दूसरे नियमों को भी ताक पर रखा गया है, इसलिए अब शराब दुकान के लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संयुक्त समिति ने उसकी जांच की और जो सेंट जॉर्ज स्कूल का जो गेट है उसके यहाँ से उसकी दूरी नापी गई दुकान के यहाँ से, तो लगभग 75 मीटर के आसपास पाई गई है।
जो कि हमारा जो नियम है वो 100 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए उसके सापेक्ष। हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई और देखते ही देखते फैक्ट्री की आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 12 फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी। हल्द्वानी में राज्य फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी परिसर में ब्रिटिश कालीन भाप का रेल इंजन लोगों के लिए आज भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ट्रेन का ये ऐतिहासिक इंजन 1926 के दौर में 2 फीट की पटरियों पर बेधड़क दौड़ता था और जंगल से बेशकीमती लकड़ियों की ढुलाई करता था। ब्रिटिश काल में ये रेल इंजन वन विभाग की शान हुआ करता था, जिसे वन विभाग ने धरोहर के रूप में संजो कर रखा है। 1926 में रेल का ये इंजन इंग्लैंड से सिर्फ 14,012.50 रुपए में खरीदा गया था। इस इंजन की मदद से 60 टन तक वजन खींचा जा सकता था। 1926 से 1937 तक इस इंजन ने वन विभाग का खूब साथ निभाया। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।